आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर के बारे में। ऑल ओवर इंडिया आपका किसी भी राज्य का कोई भी साइबर क्राइम का अपराध हुआ हो या आपके साथ कोई घटना हुई हो या आपके ऊपर कोई साइबर क्राइम का केस हुआ हो, उन सभी बातों से निपटने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर या मेल आईडी जरूर चाहिए होता है। तो साइबर क्राइम कंप्लेंट का हेल्पलाइन नंबर, साथ ही आप पूरे भारत का एकदम पुलिस स्टेशन वाइज काफ़ी जगह का मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो कि इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। फिलहाल ये जो देख पा रहे हैं आप पीडीएफ, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की है। पूरे के पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट की बात करें, लगभग लगभग सभी स्टेट का इसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है। जैसे अगर बात करें आप कोलकाता का देख सकते हैं मोबाइल नंबर, मतलब फ़ोन नंबर वगैरह दिया है, कहीं का मोबाइल नंबर दिया हुआ है। मेल आईडी लगभग लगभग हर जगह दी गई है, तो आप लोग मेल आईडी पे ही कांटेक्ट करिएगा। ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा ये भी आपको हम बता देंगे। स्पेशली अगर हम बात करें, अभी मुझे मिल गया है उत्तर प्रदेश का एक नया जो है साइबर क्राइम का एक नया नंबर जारी किया गया है। मतलब नंबर तो पुराना ही होगा लेकिन स्पेशली पुलिस स्टेशन टाइप का डिस्ट्रिक्ट वाइज साइबर क्राइम का एक नंबर और मेल आईडी भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का 18वां मंडल का दिखा देते हैं, बाकी अन्य राज्यों का भी हम इंडिविजुअली पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे मिलेगा आपको हम वेबसाइट पे अपने डालते रहेंगे। हमारी वेबसाइट तक कैसे पहुंच के इसको डाउनलोड करें आगे हम बताएंगे। थोड़ा उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, ये आप जो देख पा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के 18वां मंडल का है। 8 जोन में बांटा गया है पूरे साइबर क्राइम को। इसमें सबका मोबाइल नंबर और पूरा का पूरा मेल आईडी दिया हुआ है। कहीं से भी किसी को भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपसे ऊपर कंप्लेन हुई हो तो आप इसमें पता कर सकते हैं। अब रही बात इस पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करेंगे, तो आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट तक कैसे पहुँचे वीडियो के लास्ट में सुन लीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पाने के लिए आपको गूगल पे आना होगा और गूगल के सर्च बॉक्स में आपको यहाँ लिखना होगा naukriapp.blogspot और पहला लिंक ही आपको ओपन करना है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे।